नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मैं समय हूँ पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड एक, मैं समय हूँ सृष्टि का निर्णायक सत्ता, आपके भविष्य की चाबी, दीप त्रिवेदी, बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ के लेखक द्वारा लिखित। लेखक की कलम से। समय क्या है? यदि अधिकांश मनुष्यों की बात करूँ तो समय उनके लिए घड़ी की सुइयों से ज़्यादा कुछ नहीं। समय का पूरा खेल उनके लिए जीवन की आपाधापी और भागा दौड़ी तक सीमित है, और बहुत हुआ तो वे समय को भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान के तौर पर जानते हैं। परंतु वास्तव में समय इससे कई गुना बड़ा, विशाल और महत्वपूर्ण है। समय के दो चार नहीं, हजारों लाखों स्वरूप हैं। दरअसल समय कुदरत की अंतिम निर्णायक सत्ता है। मनुष्य और उसके जीवन पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड पर उसका राज्य है। यहाँ का मनुष्य समेत सब कुछ न सिर्फ एक समय के कारण अस्तित्व में है, बल्कि एक उसी के कारण चलायमान भी है, और इस बात से कोई पूरी तरह अनजान हो ऐसा भी नहीं है। उसके कई स्वरूपों के आभास सबको होते ही रहते हैं। समय के कई स्वरूपों की अलग अलग तरीके से बहुत से लोग चर्चा भी करते रहते हैं। जैसे बात बात पे हर कोई कहता ही है कि क्या करें, समय खराब चल रहा है, शादी तो करनी है पर अभी वक्त नहीं आया है, यह काम तो करना ही है, बस समय का इंतजार कर रहा हूँ। क्योंकि वास्तव में समय मनुष्य जीवन की एकमात्र निर्णायक सत्ता है। यह सच ही है कि आदमी नहीं, उसका समय बलवान होता है। अब यह सब बातें ऐसी हैं जो प्रायः कई लोग मौके बेमौके दोहराते रहते हैं, परंतु सत्य यह भी है कि इसके बावजूद बहुत कम लोग समय के इन गहरे स्वरूपों के बाबत कुछ विशेष जानते हैं। और उन सब पर से पर्दा उठाने हेतु ही मैंने यह पुस्तक लिखी है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि समय कुदरत की वह अंतिम सत्ता है जिसकी छाप न सिर्फ मनुष्य के हर पल पर है, बल्कि ब्रह्मांड के हर कण पर भी है। मनुष्य जीवन के तमाम उतार चढ़ाव व ब्रह्मांड की हर क्रिया प्रतिक्रिया समय के अधीन है। जो मनुष्य समय के जितने स्वरूपों को जितनी ज़्यादा गहराई से जानता समझता है, उतना ही वह समय के साथ ताल मिलाकर चल पाता है। और जो व्यक्ति जितनी मात्रा में समय की चाल से अपनी ताल मिला पाता है, उतना ही उसका जीवन सुख और सफलता की राह पर लगता चला जाता है। क्योंकि मनुष्य जीवन की सिवाय 80-100 वर्ष के समय के तौर कुछ नहीं। क्योंकि मनुष्य जीवन भी सिवाय 80-100 वर्ष के समय के और कुछ नहीं है, तथा उसका मन भी सिवाय समय के और कुछ नहीं है। कुल मिलाकर चाहे मनुष्य जीवन सरल और समृद्ध बनाना हो या फिर ब्रह्मांड के रहस्य समझने हो, समय के गहरे स्वरूपों को समझे बिना इनमें से कुछ भी शक्य नहीं। और इस पुस्तक में मैंने समय के कई महत्वपूर्ण स्वरूपों तथा उनके प्रभावों को विस्तार से समझाया है। भाषा भी इतनी सरल रखी है कि सामान्य मनुष्य भी समय और उसके स्वरूपों की तमाम गहराइयों को आसानी से समझ सके। शायद समय और उसके स्वरूपों पर विस्तार से चर्चा करने का यह प्रथम अवसर है, और यह पुस्तक लिखते वक्त मैंने इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखा है। मुझे उम्मीद है कि यह पुस्तक न सिर्फ समय के बाबत समझ बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि उसके विभिन्न स्वरूपों के प्रभावों को समझाने की कसौटी पर भी यह खरी उतरेगी। और इसी उम्मीद के साथ मैं यह पुस्तक आपको समर्पित करता हूँ। दीप त्रिवेदी, परिचय। मैं समय हूँ, मेरे बाबत आप बहुत कुछ जानते भी हैं, और आज के इस आपाधापी व दौड़ भाग वाले जीवन में मेरी अहमियत बढ़ भी गई है। वैसे तो मनुष्य के अस्तित्व में आते ही दिन और रात के कारण मुझे पहचान मिली, परंतु घड़ी के आविष्कार ने तो मुझे मनुष्यों के लिए
अपने हिसाब से डिवाइड ही कर दिया। अब तो मुझे सेकंड, घंटा, दिन, माह, वर्ष, सदी वगैरह के आधार पर भी विभाजित कर मेरा अपनी दिनचर्या के लिए अच्छे से उपयोग किया जाने लगा है। और शायद इसी तर्ज पर आप मुझे पहचानते और जानते हैं। लेकिन एक राज की बात बता दूं कि यह ही एक मेरा इंट्रोडक्शन नहीं, राज की बात यह है कि यही मेरा केवल एक इंट्रोडक्शन नहीं है, मेरे तो करोड़ों करोड़ों स्वरूप हैं। हकीकत तो यह है कि यह जगत अस्तित्व में ही एक मेरे कारण आया हुआ है और इस कारण यहाँ के हर कण पर मेरी छाप है। यहाँ का कण कण मुझसे प्रभावित भी है, वह चलायमान भी। और फिर आपकी, आप सबकी बात क्या करूं, आपके जीवन को भी सर्वाधिक प्रभावित मैं ही करता हूं। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी ना तो मेरी इतनी चर्चा है और ना ही मेरे बाबत कोई कुछ विशेष जानता ही है। मेरे घड़ी रूपी जिस स्वरूप के कारण मुझे जानने के भ्रम में आप जी रहे हैं, वह तो मेरे स्वरूपों का, वह कार्यकलापों का और अबवा हिस्सा भी नहीं है। सो आज न जाने क्यों मुझे अपने सारे स्वरूपों और उनके प्रभावों की विस्तार से चर्चा करने की इच्छा हो रही है। यहाँ तक कि मैं अस्तित्व में कैसे आया, यह तक आपको बताने को मेरा मन मचल रहा है और शुरुआत भी मैं इसी से करता हूँ। मेरा जन्म, निश्चित ही यह बात अरबों अरबों वर्ष पुरानी है और प्रारंभिक तौर पर यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने बाबत बताता जाऊंगा, निश्चित ही आपके जहन में साफ होती चली जाएगी क्योंकि आखिर आप भी इसी कॉम्प्लिकेशन का एक हिस्सा हैं। खैर, अभी तो मैं यह बात वहाँ से प्रारंभ करता हूँ जब मैं अस्तित्व में आया ही नहीं था। तब मात्र एक एहसास अस्तित्व में था और वह अपने होने का मात्र से संतुष्ट था, तथा चूंकि वह अपने होने का मात्र से संतुष्टि था अतः शक्ति से भरपूर भी था। यह बात हमेशा के लिए जहन में बिठा लेना कि जो भी अपने होने से संतुष्ट होगा वह हमेशा शक्ति से भरपूर होगा। फिर यह बात सूर्य के संदर्भ में की जाए या बुध व एडिसन जैसे के व्यक्तित्व के बाबत। खैर, अभी तो वापस एहसास पर लौट आऊं और वहां अचानक इस एहसास की इच्छा शक्ति के कारण उसकी कोख से मेरा जन्म हुआ और मैं अस्तित्व में आया। और चूंकि मेरा जन्म ही इच्छा शक्ति के बल पर हुआ था, अतः इच्छा मेरा प्रथम स्वभाव बनकर उभरा। और फिर पल पल जैसे जैसे मैं एहसास की कोख से निकलता गया, मेरी इच्छा अनुसार समानांतर रूप से स्पेस भी डेवलप होता चला गया। और तब से एहसास की कोख से एक एक क्षण कर मेरा विस्तार होना अब भी जारी है, तथा उसी के समानांतर मेरे द्वारा स्पेस का विस्तार होना भी जारी है। और चूंकि हर नए दिन के साथ मेरा विस्तार हो रहा है, अतः रोज रोज यह ब्रह्मांड भी फैलता ही जा रहा है। अब तो विज्ञान की अनुभूति में भी यह सत्य आ ही चुका है कि ब्रह्मांड का रोज रोज विस्तार हो रहा है। खैर, इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण समझने लायक बात यह है कि मैं और स्पेस एक डोर से बंधे हुए हैं। और मज़े की बात यह कि भले ही यहाँ का हर कण मेरे और स्पेस के मिलन से व्याप्त है, परंतु हमें व्यवहार की स्वतंत्रता कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे अस्तित्व में आते ही एहसास हम दोनों को नियम की एक डोर से बांधता चला जा रहा है। यानी अब हम दोनों में से एक भी ना तो उस नियम के बाहर कोई व्यवहार कर सकते हैं और ना ही हम अब एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। यानी समय है तो स्पेस है और स्पेस है तो समय होना ही है। लेकिन बावजूद इसके हर हाल में बरतना तो हम दोनों को एहसास के बांधे नियम के दायरे में ही है। अर्थात जहाँ एक ओर हमारा विस्तार होता जा रहा है,
वहीं हाथों हाथ हमारे हर विस्तार को एहसास अपने हिसाब से नियमबद्ध भी करता चला जा रहा है। अब उस एहसास को आप चाहे जितने बड़े या चाहे जिस नाम से बुलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे शक्ति या शून्य से लेकर भगवान तक का नाम आप अपनी रुचि व प्रज्ञा अनुसार दे सकते हैं, परंतु वास्तव में मेरा या स्पेस का अब उससे कुछ लेना देना नहीं। यह बात अच्छे से समझ लें कि अब तो जो कुछ भी है बस वे नियम ही हैं जिनकी डोर से वह हमें बांध चुका है। और चूंकि मेरी इच्छा अनुसार मेरे करोड़ों स्वरूप हैं, अतः उसी के अनुसार स्पेस के भी करोड़ों रूप हैं। और मज़ा यह कि दोनों के हर मिलन का हर कॉम्बिनेशन भी एहसास द्वारा ऐसे ही करोड़ों नियम से आबद्ध है। खैर, अब यहाँ मैं सर्वप्रथम मैं यानी यह समय क्या है तथा यह स्पेस क्या है यह समझा दूँ, परंतु यह समझने हेतु पहले आपको हम दोनों के चंद बुनियादी फर्क समझना आवश्यक है। और हमारा सबसे बड़ा फर्क यह है कि मैं अदृश्य हूँ, चूँकि स्पेस दृश्यमान है। दूसरी बड़ी बात यह कि मैं स्वचालित हूँ, जबकि यह संपूर्ण स्पेस मुझसे चलायमान है। इसी बात को सीधे शब्दों में कहूँ तो जो भी कुछ आपको दृष्टिगोचर हो रहा है वह स्पेस है, परंतु उस स्पेस के पीछे का मूल कारण भी मैं हूँ तथा उसकी गति व मति का निर्णायक भी मैं ही हूँ। यहाँ गौर करने लायक बात यह भी कि इतना स्वतंत्र और शक्तिशाली दिखते हुए भी मैं नियम से बंधा हुआ हूँ, साथ ही मेरे और स्पेस का हर मिलन नियम से बंधा हुआ है, यह मैं बता ही चुका हूँ। खैर, यह मैंने बड़े ही सरल शब्दों में मेरे अस्तित्व में आने की बात कह दी। और मेरी कही बात का तारण यह कि मैं ही इस जगत का प्रारंभिक बिंदु हूँ। और यह भी बता दूँ कि मैं यह प्रथम बिंदु एक बार नहीं अनेकों बार बन चुका हूँ। एहसास ने जब चाहा सब लीन किया और जब चाहा सब अस्तित्व में आया, परंतु जगत का उदय व प्रलय या फिर एहसास आज का मेरा विषय नहीं है। आज तो मैं सिर्फ अपने बाबत बताने को लालायित हूँ। सो आगे अब मैं अपने ही विभिन्न रूपों व प्रभावों की चर्चा करूँगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे स्वरूपों, मेरी शक्तियों तथा मेरे तमाम नियमों को समझकर आप उस अद्भुत शक्ति से भर जाएंगे कि जिससे आप अपना जीवन जैसा चाहें बना पाएंगे। परंतु चूँकि यह विषय काफ़ी गहरा है, इसलिए सबसे पहले मैंने अपने जन्म के बाबत ही आपको संक्षेप में बताया। और मेरा निवेदन है कि उसे अच्छे से समझ लेना। वैसे तो आगे जैसे जैसे मैं अपने बारे में विस्तार से बताता चला जाऊंगा, निश्चित ही आपके जहन में मेरे जन्म से लेकर मेरी शक्तियों तथा मेरे प्रभावों के बाबत सब कुछ साफ होता चला जाएगा। और मेरे अस्तित्व में आने वाली यह बात जो अभी मैंने आपको संक्षेप में समझाई है वह तो आईने की तरह साफ हो जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।